और अमेजिंग टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए द टेक स्टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबा के पाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले। हाय गाइस, यू वाचिंग द टेक स्टॉक और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पीसी अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है या लैग कर रहा है या उसमें बहुत ज़्यादा वायरस आ गए हैं या आपके जितने भी ब्राउज़र्स हैं आपके पीसी के अंदर अगर उन सारे ब्राउज़र्स में एडवेयर आ गया या अनवांटेड एड्स आ रही है तो उसे कैसे फ़िक्स किया जाएगा, तो ज़रूर से इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा अपनी प्रॉब्लम्स को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इसे फ़िक्स करने के लिए बस एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है मैलवेयर बाइट्स। और अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव हो रहा है तो ज़रूर से आप उसे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे अपने पीसी में। तो सबसे पहला आपका स्टेप है कि आपको डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में जाके लिंक पे क्लिक करना है और मैलवेयर बाइट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। और अगर आपके पीसी इतना ज़्यादा लैग कर रहा है कि आप वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो सेकेंड जो तरीका है, आप अपने फ्रेंड के पास जाइए, उसके पीसी में उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए और उस डाउनलोडेड सेटअप को अपने पीसी में ट्रांसफ़र करके इंस्टॉल कर लीजिए। अगर ये भी आपका पॉसिबल नहीं है तो आप थर्ड चीज़ क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले अपने पीसी को शट डाउन कीजिए, शट डाउन करने के बाद उसे दोबारा ऑन कीजिए और जब स्टार्टिंग मेन्यू आता है तब आपको F8 की को बार बार दबाना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं और आप फिर सीधा बूट मेन्यू में चले जाएंगे और बूट मेन्यू में आपको सेफ मोड विद नेटवर्किंग पे क्लिक करना है और सीधा आप सेफ मोड पे चले जाएंगे और वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आपका सॉफ्टवेयर एंड में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करने के बाद आपको उसे ओपन करना है, फिर लेफ़्ट साइड में आपको स्कैन पे क्लिक करना है, फिर आपको कस्टम स्कैन पे क्लिक करना है। कस्टम स्कैन पे क्लिक करने के बाद नीचे कॉन्फ़िगर स्कैन पे क्लिक करके आपको बहुत सारी ड्राइव्स के ऑप्शन आएंगे, आपको जो जो ड्राइव में लगता है कि आपके में वायरस हो सकता है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सारी ड्राइव्स को टिक कर दें और सबको स्कैन कर दें। ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स लेगा और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके पीसी में कितने थ्रेड्स हैं और आप उसे क्लीन कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका पीसी इसके बाद ज़रूर से ठीक हो जाएगा। तो अगर ये ट्रिक आपके लिए वर्क करती है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।